इसमें हम शुरू से यहाँ से देखते हैं परमानेंट फाइल्स का, ये परमानेंट फाइल को ऑडिट प्लानिंग में जाकर ऑडिट यूनिवर्स में इसका पाथ देख लें, ऑडिटेबल आइटम्स अटैचमेंट और उसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। प्लानिंग में जाकर यूनिवर्स में जाकर ऑडिटेबल आइटम्स, ऑडिट प्लानिंग में, ऑडिट यूनिवर्स में। अब चूंकि लाइव सर्वर है तो कोई सा भी ऑडिटेबल आइटम हमने ओपन कर लिया, इसको नहीं मैं ओपन कर, उसमें अटैचमेंट पे जाकर यहाँ अपलोड देखें, अपलोड कर देंगे, प्लस का निशान है। दोबारा यहाँ से भी देख लेते हैं, ऑडिट प्लानिंग नजर आ रहा, क्लियर है ये? ऑडिट प्लानिंग में गए, फिर ऑडिट यूनिवर्स में हम गए, ऑडिटेबल आइटम जो जिसके हम एआर बना रहे हैं वो हमने सिलेक्ट किया, उसमें अटैचमेंट में गए और अपलोड कर देंगे फाइल। मैं एक दफा दोबारा कर लेता हूँ, दोहरा लेता हूँ जरा, रिवाइज। ऑडिट प्लानिंग मेन टैब है, फिर ऑडिट यूनिवर्स। जब ऑडिट यूनिवर्स खोलेंगे तो हमारे पास 145 ऑडिटेबल आइटम्स शो हो रहे हैं। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीटीए में बहावलपुर को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें मुख्तलिफ टैब हैं, जनरल, ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क, डायमेंशन, ऑडिट हिस्ट्री, अटैचमेंट। अटैचमेंट में गए और यहाँ मैंने परमानेंट फाइल को अटैच कर दिया, ऐड फाइल। यहाँ ब्राउज करके जो भी परमानेंट फाइल होगी इसको मैं अटैच कर दूंगा। बिलफर्ज ये कोई परमानेंट फाइल आती है, ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अब चूंकि लाइव है, अगर मैं अपलोड करूँ, ये पता नहीं किसका ऑडिट है, तो वो जस्ट अगला लास्ट स्टेप इसका अपलोड ही है। मेरे ख्याल में अगर इसको स्लिप स्किप कर दें तो कोई इशू नहीं, ठीक है सर। ये दो दफा मैंने रिवाइज कर दिया कि हमें हो गया, ये तो था हमारा पहला स्टेप। अच्छा, दूसरा है एग्जीक्यूशन फाइल, प्लानिंग फाइल। प्लानिंग फाइल जो है ना, ये हमारा हर ऑडिट का इंडिविजुअल चूंकि हो रहा होता है ना, प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया और डिक्लेरेशन हर ऑडिट से मतलब अलग होता है और सुपरविजन भी उसका होता है। तो वो जो हमने बुक का शेयर किया था तस्वीर, उसमें हैपेजेड ऊपर नीचे, इसको हमने एक जगह संभाला, इसलिए जो थे ना वो D1 के बाद D3 आ गया, उसको थोड़ा सा हमने अपनी आसानी के लिए AMS के हवाले से पाथ के हिसाब से हमने उसको थोड़ा अरेंज कर दिया। पाथ वाली शेयर थी ना ये, पहले जब वर्किंग पेपर में ऑडिट एंगेजमेंट में जी, उसके अंदर प्लानिंग टैब होगा, देखें ऑडिट एंगेजमेंट, फिर माय ओन। अच्छा, पेपर लिंक का टैब है? जी जी हाँ, वर्किंग पेपर है, उसमें प्लानिंग टैब है ना जी, एग्जीक्यूशन भी वही है जी। हाँ जी जी, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखते हैं ऑडिट, ये हमारा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और D1 और सुपरविजन, तीनों का हम बारी बारी करते हैं, हमारा हो जाएगा। ऑडिट एंगेजमेंट में जाकर ऑनगोइंग ऑडिट में जाना है इसका। तो अगर ऑडिट एंगेजमेंट यहाँ नहीं नजर आ रहा, वैसे ही तो ये नजर आ रहा है ना सर, ऑडिट एंगेजमेंट। तो आसान तरीका, ये कंट्रोल एफ करके हम इसको ऑडिट एंगेजमेंट लिख दिया करें, किसी और जगह अगर हम खड़े हैं ना, ये ऑडिट एंगेजमेंट आ गया, ठीक है। तो ये देखें, ये ऑडिट एंगेजमेंट इधर आ गया, ठीक है सर। ये वैसे इसका ऑडिट एंगेजमेंट में जाकर माई ऑन गोइंग ऑडिट में चले गए, और यहाँ भी फर्ज मेरा ये आ रहा है ऑडिट ऑफ, ये मेरा वो ऑडिट खुल गया, ऑडिट ऑफ सेक्टर रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ KP के, ये जो मुझे अलॉट हुए हैं ऑडिट, ये सारे और अफजई का आ गया, ये इस तरह आ गया, जाफराबाद, गवादर, जलमक्सी वगैरह बिलफर्स। तो ये चलो जाफराबाद के साथ हम लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट था वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर में गए और ये प्लानिंग में चले गए। तो यहाँ देखें, ये मैंने प्लानिंग में जाकर इसको यहाँ अपलोड कर देंगे। ये कौन सा ऑफिस था जी, देखते हैं, ये जलमुक्सी था जी। बिल फर्ज ये
जलमक्सी की फाइल, इसको मैंने जाकर अपलोड कर दिया। ठीक है सर, ठीक, ये दो आ गए। पांच लिखा, एक दफा दोबारा इसको कर देते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट में गए, माय ऑनगोइंग ऑडिट में गए, क्लिक किया, वहां से हमने ऑडिट सिलेक्ट किया अपना। ऑडिट सिलेक्ट करके वर्किंग पेपर में गए, वर्किंग पेपर में प्लानिंग टैब में वर्किंग पेपर देखें, ये जर्नल है, वर्क प्रोग्राम, वर्किंग पेपर फाइंडिंग्स, रिपोर्ट वगैरह, यहाँ इसमें ये टैब है। इसके अंदर वर्किंग पेपर के अंदर ये टैब्स हैं, प्लानिंग टैब, प्लानिंग टैब के अंदर गए, हाँ, और प्लानिंग टैब के बाद देखिए मैंने प्लानिंग फाइल इसकी अपलोड की हुई है, ठीक ना। यहाँ प्लस करके आपने ऐड करके ब्राउज में जाकर जहाँ आपके कंप्यूटर में पड़ी है प्लानिंग फाइल, आपने प्लानिंग फाइल को डबल क्लिक करके और अपलोड कर दी। इसलिए सर अपलोड के बाद जी जी अपलोड हुआ है ना, ये देखिए एडिट, एडिट किया है ना इसको, गलत हो गई गलती से, तो यहाँ इसको अगर होता ना ट्रेनिंग तो चलो मैं कर लेता, यहाँ आप इसको डिलीट कर दें और नहीं डाल दें। हाँ जी वही करेगा, नहीं प्लानिंग फाइल जो है ना, नहीं ये जो प्लानिंग फाइल है ना, ये ऑडिट वाले नहीं करते, टीम लीड कर ले, ये कोई भी टीम का मेंबर जिसके पास हो रहा है, जितने भी ऑडिटेबल आइटम है सर, मैं एक दफा जो है ना आपने अपलोड कर देना। इसी तरह एग्जीक्यूशन फाइल का भी वैसे कर देते हैं, हमारी रिवीजन हो जाएगी, यही तरीका। जस्ट ऑडिट एंगेजमेंट में गए, माय ऑनगोइंग ऑडिट में गए, रेलेवेंट ऑडिट हमने इसको खोल दिया जिसमें हम एग्जीक्यूशन फाइल अटैच करना चाहते हैं। यहाँ से जर्नल, वर्किंग प्रोग्राम, वर्क प्रोग्राम, वर्किंग पेपर, फाइंडिंग, रिपोर्ट, एक्टिविटीज में से हम वर्किंग पेपर में चले गए, और इसी प्लानिंग में टैब में जाकर हमने इधर एग्जीक्यूशन फाइल को अटैच कर देना है। ये प्लस का निशान है यहाँ जी, प्लानिंग के टैब में। अब आपका सवाल बिल्कुल रेलिवेंट है कि आपने इसको उस टैब में क्यों नहीं डाला, एग्जीक्यूशन के टैब में क्यों नहीं डाला, ये देखें माय ऑनगोइंग ऑडिट में गया ना, और इसमें जाकर हमने अगर वर्किंग पेपर में जाते हैं तो सॉरी वर्किंग पेपर में गए तो यहाँ आप एग्जीक्यूट करें, यहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ देखें यहाँ प्लस का साइन ही नहीं है, यहाँ प्लस का साइन नहीं है कि कहाँ अटैच करेंगे, एग्जीक्यूशन में साइन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने हमें ये पाथ यही लिखवा दिया था कि यहाँ यहाँ आपने तो जी सी सी पर है ना, कहाँ हो रहा है ये, वो जो कहाँ ये तरफ जो जहाँ सी वन टाइप है वहाँ इधर कहीं ना इधर नहीं हो गया, इसमें अटैच करें कहाँ, फिर ओपन करें इसको, तो वो हाँ हो जाएगा, ये मैंने किए हैं, नहीं अटैच हो जाएगा, इससे आगे जाएंगे अटैच हो जाएगा, ना ये देखें आ गया अभी हो जाएगा। ये देखें नहीं एग्जीक्यूशन ऑडिट एक्सपेंडिचर पेरोल, पेरोल के साथ फिर आगे उसमें अटैच हो रहा है। नहीं नहीं अगर आपका पेरोल का है एग्जीक्यूशन उसमें कोई तो आप पेरोल में अटैच कर रहे की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो पूरी एग्जीक्यूशन फाइल जो है ना ये तो पूरी हमारी ए आई आर है। नहीं देखें अगर आप अलग करना चाहें उसके जो कंपोनेंट्स है ना, जो कंपोनेंट्स है पूरी ए आई आर अटैच हो रही है, ये तो आपका वो वर्क प्रोग्राम है ना, अब वर्क प्रोग्राम में उस पार्टिकुलर जो आपका वर्क प्रोग्राम उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट है ना जी, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे, लेकिन एग्जीक्यूशन फाइल तो हमारी फुल फाइल वो भी फुल फाइल जो हम बना रहे हैं वो पूरी उसको वहीं पे प्लानिंग के साथ आप, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये होगा ना, तो ये स्पेसिफिकली आप एग्जीक्यूशन को हम प्लानिंग पे कैसे करेंगे, प्लानिंग तो पहले होगी, एग्जीक्यूशन तो बाद में होती है, एग्जीक्यूशन हम पहले से कैसे करेंगे, प्लानिंग मतलब जहाँ पे प्लानिंग फाइल होनी है वहां पे उसको करना, करना बाद में, ये तो ऑडिट के बाद होगी, एग्जीक्यूशन तो ऑडिट ड्यूरिंग ऑडिट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद करें। इसी तरह डी वन का मतलब है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन वाली जगह पे अगर जाके करेंगे ना उस पर्टिकुलर जो हमारा वो वर्क प्रोग्राम है ये उसके साथ अटैच है, वहां पे वो इसलिए रखा है कि फ्यूचर में देखा जाए इस वर्क प्रोग्राम को आपने क्या किया, इसके साथ आपकी कोई एविडेंस वगैरह है तो वो डी वन का परफॉर्मर भी यहाँ जाएंगे, ऑडिट एंगेजमेंट में गए, माय ऑनगोइंग ऑडिट में गए, और किसी भी हमारा जो मतलब ऑडिट उसमें जाकर हमने डिक्लेरेशन जो हमने दिया है वर्किंग पेपर में जाकर
प्लानिंग टैब में गए और यहाँ हम ऐड फाइल करके D1 का परफॉर्मा मैंने एनएक्सटेड D1.1 कोड ऑफ तो ये अपलोड करते हैं। ठीक है सर जी, जी अब यहाँ थोड़ा सा इसका वैसे कंसेप्ट देख लेते हैं कि चूंकि सारे किसी एक ऑडिट से मुतल्लिक है ना, D1 भी किसी ऑडिट के बारे में डिक्लेरेशन दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी उसी की हो रही है, प्लानिंग भी उसी की हो रही है और सुपरविजन भी इसकी हो रही है, इसलिए इन सब को किसी एक ऑडिट के साथ हम अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब D1 को हम अटैच करते हैं, सारे इसी प्लानिंग टाइम में सारे जा माई ऑडिट एंगेजमेंट में जाकर माई ऑनगोइंग ऑडिट में जाकर, क्योंकि प्लानिंग फेज का ये प्रोसेस है। समझ आ गया, ये वाली सारी प्लानिंग में कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन की भी होगी, एग्जीक्यूशन होगी लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद होगी। एक्चुअल बेसिकली ये डेटा स्टोरेज है ना, वो तो प्रॉपर उधर करेंगे, तो एग्जीक्यूशन फाइल भी हम ओपन करके देख लेंगे थोड़ा सा। पर्पस जो है ना, सारा सारी डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे, हाँ जी इसी तरह देखें, ये सारा हमें वो परेशानी सोचने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ सारा ऑडिट एंगेजमेंट माइंड गोइंग ऑडिट वर्किंग पेपर प्लानिंग टैप और अपलोड करते हैं। सेम यही तरीका है सुपर नंबर 5 सीरियल नंबर पर सुपरविजन चेकलिस्ट का, इसको भी हम ऑडिट एंगेजमेंट में जाकर माय ऑन गोइंग ऑडिट में जाकर, हाँ बस सिर्फ एक दफा कर लेते हैं इसमें जाकर, तो मैंने बताते रहे इतना मुश्किल नहीं आसान है, इसमें 5 मिनट हमें लगेंगे। वर्किंग पेपर में जाकर और प्लानिंग टैब में गए और इसको हमने प्लस के निशान में हमने करना सुपरविजन का परफॉर्मा, ये हमारा सुपरविजन जहां आपने रखा होगा इसको क्लिक कर दिया अपलोड होगा, ये हमारा पहला स्टेप आगे जो किसी एक ऑडिट से रिलेटेड है। परमानेंट फाइल हमने उतने अटैचमेंट में कर ली थी। अब ये जो चीज है, ये सब की सब समरीज हैं जो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर ने बनानी है के कंट्रोल डॉक्यूमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, तमाम ऑडिट इसमें आ जाएंगे, इसी तरह प्लानिंग फाइल परमानेंट फाइल की समरीज आ रही हैं और एग्जीक्यूशन फाइल की समरीज आ रही हैं और कंसल्टेशन की तमाम ऑफिस की समरीज आ रही है, तो ये हमारे किसी एक पूरे ऑफिस के साथ अटैच, किसी एक ऑडिट के साथ तो चूंकि रेलिवेंट नहीं है, तो इसको हमने फील्ड ऑफिस फाइल में जाएंगे, यहाँ सैप में मेन में जा रहे हैं, फील्ड कंट्रोल एफ करके फील्ड ऑफिस फाइल, ये फील्ड ऑफिस फाइल, ये मेन टैब ये आ गया फील्ड ऑफिस फाइल में, हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे और यहाँ जब खोलूंगा तो मुझे मेरा ऑफिस ही नजर आएगा, डायरेक्टर जनरल ऑडिट क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट इस्लामाबाद। इसके साथ गो करेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे, फील्ड ऑफिस हमने सेलेक्ट कर दिया और अपलोड, हमने पहली बात है कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एक दफा कर लेंगे, हमेशा रिवाइज होता रहेगा, 2 मिनट लगेंगे इसको, कंट्रोल डॉक्यूमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक एंटिटी के लिए अलग से बनेगा ना सर? आप एंटिटी के लिए तो नहीं बन रहा ना, ये एक ऑफिस जब आपने सेलेक्ट किया ना तो हमारा ऑफिस सेलेक्ट हुआ था ना, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, तो हम उस ऑफिस के साथ अटैच कर रहे हैं, इस एंटिटी का तो हमने भी आए नहीं ना, देखा ना क्योंकि इसमें तमाम 40-50 एंटिटीज है ना, तो इसलिए फिर इसको पूरे उसके साथ अटैच कर रहे हैं। मैं वहाँ हमारा इसलिए बार कहते हैं इम्पोर्टेंट बात है D1.1 है और फिर ये टैब जो है ना, ये फील्ड ऑफिस फाइल की है जी, ये अगर में रखेंगे फील्ड ऑफिस फाइल देखिए अपलोड वैसे हमने जब ये हमने चूंकि तो इधर अदर्स में जाकर अपलोड, ठीक ये अभी मैं कर लेता हूँ इसको अदर्स,
कहाँ लिखा है सर? ये सुपरविजन वाली सिलेक्ट सीट ऑफिस बिल्कुल जहाँ पे नहीं लाजमी तो नहीं लाजमी देखे ना, एक डीजी एक डायरेक्टर ये दो है तो उन्होंने सारी सुपरवीजन वो नहीं कर सकते, लेकिन जितनी होती है उनकी अटैचमेंट वहां पे होगी। वैसे ये तो एक एजीपी ऑफिस से एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने डेज नंबर ऑफ डेज लिखे थे कि डायरेक्टर ने इतने डेज, डीजी ने इतने डेज, डिप्टी ने इतने डेज सुपरवाइज करना। इसी तरह सर ये परमानेंट फाइल की जो समरी है वो भी फील्ड ऑफिस में जाकर, इसी तरह फील्ड ऑफिस में गए हम, इसको सिलेक्ट किया अपना फील्ड ऑफिस में हमारा खुद खुद वही आपका अपना अपना ऑफिस आ जाएगा। ठीक है, इसको गो क्लिक को करेंगे, अदर्स में जाएंगे और अदर में अपलोड करके, मैं यहाँ अपलोड नहीं करता, यहाँ जो ना वो अगला अनेक्सर आ जाएगा परमानेंट फाइल, तीसरा प्लानिंग फाइल की समरी, परमानेंट फाइल की समरी, प्लानिंग फाइल की समरी। ये प्लानिंग फेज के एंड पे परमानेंट फाइल और प्लानिंग फाइल तो प्लानिंग फेज में का काम है। एक्चुअली ये कंप्लीट होने के बाद उनकी समरी है, ये कंप्लीट होने के बाद देखिए हमने 600 ऑर्डर या 400 ऑर्डर ये किया, अब फ्री ऑर्डर में 400 की 400 की आएगी तो वो तो राइट ही बात है, एट द एंड ऑफ 600 या 400 उसके बाद ही आएगी। ये आप क्वार्टरली जो सिस्टम भी होगा हां नहीं ये तो वेरी कर रहा है ना, जो क्वार्टरली हां वेरी कर सकते हैं ना, ये ऑफिस या पूरा साल का 40 हां जो फेस ऑफिस अगर आप हाँ तो मंथली जब जब इशू होंगे तब तक होगा, मतलब वो समरीज बनेगी, वो समरीज बन गया। रिपोर्टिंग फाइल और एग्जीक्यूशन फाइल बंद, आपको पूरे साल का प्रोग्राम इशू हो गया लेकिन रिपोर्टिंग तो आप तो करने के बाद देंगे सारे 600 देखेंगे। ये देखिए मतलब 8 और 9 नंबर अगर आप देखें ना, 8 और 9 नंबर देखा एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है ना, तो एग्जीक्यूशन के लाइफ वाला आपको 10 परमिशन दी, पहली परमिशन चाहे आप अगले 10 दिन में करेंगे जी, उसके बाद 10 दिन में करेंगे, 10 के 10 तक सब हो जाएंगे, फिर समरी तो फिर बाद में बनेगी। ये इसकी बात है, इसको अपलोड करने का टाइम होगा जब सारी मुकम्मल, हां जी एट द एंड है ना, उसकी ईयर एंड ही हो जाएगा जी, ईयर एंड वो फेज एंड कह सकते हैं, आखिरी जब फेज आखिरी जब आपकी जो है ना 10 तारीख के बीच कोई 8, 9, 10 साथ साथ ही हो रही होंगी या 15-20 दिन का फासला होगा, जब आखिरी जब हो जाएगी उसके बाद समरी बन जाएगी। ये एंड के फेज एंड के जब जो उसका परमानेंट फाइल बननी है, 15 प्लानिंग फाइल बन, अब उनकी एक समरी बन, अब इसमें जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि टाइम फ्रेम कब ये अपलोड होगी, अपलोड किस दिन करेंगे, देखिए एग्जीक्यूशन फेज लिखा, एग्जीक्यूशन फेज जब भी आपका एग्जीक्यूशन फेज खत्म होगा एक जी जी रिपोर्टिंग फाइल भी देखें, अगर आप किट में जाए ना तो वहाँ एग्जीक्यूशन फाइल भी है और साथ रिपोर्टिंग फाइल भी है, वो हम बनाते नहीं है वैसे, नहीं इन्होंने हमें कहा बनाने की, इन्होंने हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन फाइल का कहा, रिपोर्ट आपने फैम की किट में देखो होगा एग्जीक्यूशन फाइल भी बनी हुई है और रिपोर्टिंग फाइल भी, वो हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं बनाने। अच्छा इसमें बेसिकली जो है जो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग की बात हो रही है ना, मतलब वो ईयर एंड रिपोर्ट नहीं है, ग्रीन बुक नहीं, वो मतलब यहाँ पे हर एंटिटी की आपकी वो AIR होती है, ऐसा ही देखे ना, इसमें पर्पज सिर्फ ये है कि हम 20 लोगों ने ऑडिट किए, 10 ऑडिट किए, 200 फाइलें बनी है,
अब वो एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिल डिप्टी है या डायरेक्टर है, उसने वो फाइलें चेक कर, उसमें अगर कोई मटेरियल चीज है कोई वो उसको हाईलाइट करेगा। अब चेक करने के बाद उसने समरी बनानी है, तो वो लाजमी बात है, वो आपका फेज एंड हो या ईयर एंड हो उसके बाद, लेकिन वो होगा हमारी ए यार चेक करके उसकी बेस पे उसने अपलोड करना है। तो इसमें ऐसा सच्चे टाइम लाइन का ये लिखा हुआ है, ऊपर वाला काम जो कर रहा है ना, ऊपर वाला जो काम होता है वो प्लानिंग, प्लानिंग देखिए ना, देखिए ये प्लानिंग सही, प्लानिंग आ रहा था, ये बनेगी नहीं जब तक फाइल नहीं बनी रिपोर्टिंग फाइल, तो उसको चेक भी नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये वो देखो ना, वो प्लानिंग फेज में था और एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है ना सर। अच्छा, इसी तरह इसी तरह अगर हम जाए मतलब अगर दो फेज है तो फिर दो समरी बन जाएगी, दो परमानेंट की, दो प्लानिंग, दो दो बन जाएगी अगर एक आप करते हैं। अच्छा, अदर्स में देख लेते हैं सिर्फ ये कि बाकी भी इसी तरह हम इसका रिकॉर्ड ऑफ कंसल्टेशन ये भी इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है ना सर। इसमें तो वही बात है इन सब का, ठीक है जी। ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट फॉर कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, परमानेंट फाइल की समरी आ गई, प्लानिंग फाइल की समरी आ गई, और हाँ जी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूशन फाइल्स एंड रिपोर्टिंग फाइल्स आ गया, रिकॉर्ड ऑफ कंसल्टेशन जो डब्ल्यू ने बनाना, ये सारे के सारे इसमें अपलोड करें, ये सारा एक कीमत है सर। अब यहाँ इसको फिलहाल कहाँ से क्लोज करेंगे इसको, बाकी आप कल करेंगे, अभी करना चाह रहे हैं। अब परमानेंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फाइल्स अगर खोल के देखना चाहें तो अभी है हमारे पास टाइम। परमानेंट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फाइल में कोई कंफ्यूजन ना रखा, ये सारे ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है, वो वही है जो अच्छा बिफोर 2010 भी चल रहा है। प्लानिंग में कम से कम डिस्कस होता है जो मटेरियल की है और ये चीज है वो कंप्लायंस वाले में से निकाल दें, या तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें या निकाल दे आपने ऑफिस। देखो ना, जब हम हार्ड कॉपी प्रिंट करते थे तब तो ये था कि वो 10-20 पेज एक्स्ट्रा, अब तो खैर है मतलब अगर इसमें नहीं है आप सब अभी तो सॉफ्ट में हमने करनी है, हार्ड में हमने प्रिंट नहीं लेने, लेकिन वो एप्लीकेबल।